क्या नाम है आपका? तो गाइज अम्मी आ चुके हैं आज सुबह 8 बजे, जो कि काफी दिन से थी नहीं, आपको ब्लॉग में भी नहीं दिखी होंगी। अम्मी गई हुई थी मुरादाबाद अपने मैके। आजकल अम्मी मुरादाबाद बहुत जा रही हो। हाँ, ज्यादा जाना हो रहा है, वो छोटी भतीजी नहीं हुई हमारी, उसकी वजह से ज्यादा जाना हो गया। अच्छा, तो गाइस अम्मी मुरादाबाद गई हुई थी, इसी वजह से ब्लॉग में नहीं दिख रही। अम्मी आ गई है। वैसे बात यही है, हीना ना मेरे पीछे बहुत बढ़िया काम करती है। हाँ, आपको कैसे पता? मुझे बच्चे बताते हैं। किसने बताया? कहना बक्कर कहना तारीफ करती है, अमन करता है। अच्छा, साथ बहुत तारीफ करता है खाने की। अम्मी खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं भाभी। हाँ, खाना तो यार बढ़िया बनाती है। मतलब अगर मैं नहीं होना यहाँ पे तो मेरी कमी महसूस नहीं होगी किसी को भी। हीना हैंडल कर लेती है अच्छे से। ये तो है, खाना वाना तो अच्छा, मुझसे भी अच्छा। कभी कभी तो सब्जी मुझसे भी अच्छी बना लेती हूँ। पहले जब आई थी रोटी कितनी छोटी छोटी बनाती थी, छोटी छोटी मेरी पूरी बड़ी होती थी। लेकिन अब तो मेरी इतनी होती तो कितनी बड़ी होती है रोटी, तवे से भी बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। सीख गई धीरे धीरे, सीख गई। बस हाँ, एक काम और सीख जाए मेरा बस। कौन सा? वो अभी नहीं बताऊंगी, बताऊंगी वो बात जरूर बताऊंगी, बस वो सीख जाए। बाकी तो बहुत बढ़िया हो गए, मैं इतना हूँ। एक काम में रहे अभी पीछे उनके सामने ही बताऊंगी वो। okay. सही है? तो आज भी कहीं जाना है आपको? कल भी आप घूम गई हो? आज हम अपने रिश्तेदारी में जाएंगे। मुंह से पहले आवाज तो निकालो, गुटका निकाल के बात किया करो मेरे से। मेरी जितनी आवाज है उतनी बोलूंगी, थोड़ा तेज लाउडली, ताकि लोगों को आवाज जाए आपकी। बोलो। आज हमें अपनी रिश्तेदारी में जाना है, हमारी खाले हैं उनकी लड़की की ससुराल। उनकी लड़की की ससुराल? अरे उनके जहाँ पे अभी शादी हुई है ना, तो उन्होंने दावत करी है हम सारी फैमिली की, तो हम सब जाएंगे वहाँ पे। उनका घर कहाँ पे है? वेलकम में। वेलकम में किधर? अभी कैसे बताऊंगी ये पता ही नहीं है हमें, अभी तो हम जाएंगे, फर्स्ट टाइम जाएंगे ना। अच्छा, अपना टॉप सीक्रेट तो बताओ, आपने वेट कैसे लूज किया अपना? तो उसका रीजन ही ये सब चीजें, ये आजकल पता नहीं क्या क्या नेट पे से ऑर्डर करती हैं और मंगवाती हैं। ये सनफ्लावर सीड्स, और मैंने इसमें मिक्स किया है पम्पकिन सीड्स, और इसके अलावा मैंने मंगाया था ये क्रैनबेरी है, ओट्स में डाले होंगे, ओट्स आया नहीं है अभी तक, और ये है ब्लूबेरी जो ये खा चुके हैं इन्होंने, ब्लूबेरी और ये मेरा ख़त्म कर दिया और इसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन ये मैंने अपनी दवाई के तौर पर मंगाई, ये ना PCOD में बहुत अच्छा होता है खाना, इसे PCOD रिवर्स होती है, कंट्रोल होती है, लेकिन ये खा रहे हैं प्रॉपर। इसके अलावा मैं चिया अच्छा लगता है यार ये। चिया सीड्स पीती हूँ, चिया सीड्स के वो गर्म पानी में चिया सीड्स पीती हूँ, और सुबह शाम में आंवला जूस पीती हूँ, और रात को हर दूसरे दिन में एप्पल साइडर विनेगर है वो पीती हूँ। अपने फेस पे तो लगाती हूँ? हाँ, फेस पे भी लगाती हूँ, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा डल सा हो रहा था और अजीब अजीब सा हो रहा था, तो उसको लगाने से बहुत फर्क पड़ा है मुझे। तो गाइस इनका बस यही काम है, कोई भी अगर इन सब चीजों से गुजर रहा है, फेस कर रहा है, तो वो ये सब चीजें कर सकता है, उसके लिए अच्छा ही है। तो आपको इसके रिजल्ट्स मिले? हाँ। कैसे? एक तो मैं पतली हो रही हूँ, सबको दिख रहा है। मैं 60 किलो हो गई थी, अब मेरे ख्याल से अब मैं 56 या 57 हो गई पक्का। 3 किलो वजन मैंने घटाया है 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर मेरे ख्याल से। और उसके अलावा मेरी स्किन पे भी बहुत फर्क पड़ा है, पहले मेरी स्किन खराब होती जा रही थी बहुत ज़्यादा, और मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, अब थोड़ा कंट्रोल में। ये मेरी बहन ने मंगाया था मेरे एड्रेस पे, ये उनको दे के आ रहे हैं, ये मेरी बहन का जूही का। तो उन्होंने यहाँ के एड्रेस पे क्यों मंगवाया भाई? क्योंकि ये एक साथ मंगाया है, एक साथ मंगाने पे प्रॉफिट होता है, मतलब कि आपको चीज़ें कम रेट पे मिलती है, आपको ऑफर मिलता है, इस वजह से उसने मंगाया। तो ये जो भी सारी चीज़ आप देख रहे हैं पीछे, ये सारी चीज़ें इनके सिस्टर ही ऑर्डर करती हैं ना? अभी तो वहाँ पे भी आंवला जूस है, वहाँ पे 2 बोतल एक पी चुकी हूँ, और एक मैं दिखाता हूँ आपको।
ये रहा इनके पतले होने का राज, फाइल्ड आंवला जूस। और कुछ आप कहना चाहें, कुछ बताना चाहें पीसीओडी के बारे में? उन्होंने मुझे ये दिया था, ये बहुत अच्छा होता। अभी मुझे इसका कोई रिजल्ट मिला नहीं क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट करा था और थोड़े दिन पीके से छोड़ दिया था। मैं दोबारा लेके आई हूँ ये एम टू टोन सिरप, ये पीसीओडी के लिए है और ये बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है इससे, जो भी चीजें फेस कर रहे हो आप ये पिया करो। सारी लड़कियों को पीना चाहिए लेकिन डॉक्टर से पूछ के। अगर कोई पीसीओडी से उसको पीसीओडी सिम्टम है उसे ये पीना चाहिए। अच्छा, हमारे घर का पूरा रिकॉर्ड है, सबसे लास्ट में यही तैयार होती है। आज मैं ना सबसे पहले तैयार होकर दिखाऊंगी, देख लेना। जैसे आपने कल लेट हुई थी ना इंडिया गेट पे और आप रो रही थी वहाँ पे कि मैं क्यों लेट हो गई, मैं आज भी देख रो आप रहे थे। वो वीडियो में सबने देख लिया होगा। वो तो किस लिए रो रही थी वो भी आपको पता है। हाँ, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से सुनाई थी लेट होने की वजह, इसलिए आप रो रही थी। तो अम्मी अभी खाना वाना बना रही है, रोटी हिना ने बना दी है। तो अम्मी, हाँ, आपका जो रेसिपी चैनल था उस पर वीडियो क्यों नहीं आई अभी तक? वो मैं घर चली गई थी ना मुरादाबाद, उसकी वजह से मैं बना नहीं पाई, लेकिन अब कोशिश करूंगी जल्दी बनाऊंगी। हाँ, ठीक है, यही रीजन था गाइस, अम्मी गई भी थी इसी वजह से हमने डाली नहीं कोई रेसिपी। हाँ, आपको बताया नहीं, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्द बनाकर डालूंगी। ठीक है। तो गाइस, फर्स्ट टाइम हमारे घर में ऐसा हुआ है कि हीना सबसे पहले तैयार हो गई है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने इनको काफ़ी सुनाया था क्योंकि हमें इनकी वजह से लेट हो गया था इंडिया गेट जाने में। तो मुझे लगता है उसी चीज़ का ये असर है आज। तो आज सबसे पहले तैयार हो चुकी हैं, यहाँ तक कि हम तो ये समझ रहे हैं कि हमारा डर है हमारी वजह से है। और क्या, अभी तक नहीं बना, कल पूछो। नहीं, मेरा डर नहीं है तुम्हें, अनस का डर है, अनस का डाटा ना कल। हाँ, मैंने रुला दिया था मम्मी, उनका भी है और प्लस है ना, आप बोलते हैं ना बार बार लेट हो गए लेट हो गए लेट हो गए, मैंने करना है तो जल्दी चलो। ये समझदारी की बात करी उन्होंने पहली बार, मैंने जाना है तो जल्दी चलो, फिर क्या फायदा। पहली बार इन्होंने अकल की बात करी है। अगर रात को जाएंगे तो सिर्फ खाना मिलेगा, अभी जाएंगे तो नाश्ता भी मिलेगा। ना, नाश्ता जब भी मिलेगा वो अलग बात है, खाना खाने के बाद मिले पर मिलेगा। हाँ, तुम्हारे पेट में गुंजाइश न रहेगी, ये क्यों? क्योंकि खाने के बाद नाश्ते का कोई फायदा नहीं होगा। अम्मी से पहले आज ये तैयार हो गई हैं अम्मी। आज से हैरान हो रहा है मुझे, जो कुछ देर करवा रही कहीं ना करवा रही। सबसे ज्यादा गोराद मेरा है, मेरा है सबसे ज्यादा। अच्छा, हीना का लग रहा है अभी सबसे। सेकंड नंबर पे चमक गया है मेरा हाथ ही का। गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं यहाँ पे। गाइस, हमें तो रास्ता पता नहीं था, हमारी अम्मी निकाल के लाई है गलियों से। मैं दिखावा रही रास्ता में आई हूँ कई बार। ऐसी ऐसी गलियाँ थी खुफिया। वेलकम। अगर चोर कोई चीज लेके भागेगा ना ढूंढ नहीं पाएंगे, तो भाग जाएगा निकल जाएगा। वेलकम की बहुत पतली पतली गलियाँ हैं। एक तो पतली पतली, ऊपर से वो गाड़ियाँ खड़ी कर देना तो वो पतली हो जाए, निकलने में परेशानी। हमें तो ऐसा लग रहा है किसी घर में जा रहे हैं, और वो गलियाँ थी। मायने में बैठे। क्या नाम है आपका? बता दो। क्या नाम है आपका? यही है। क्या नाम है इसका? पकड़ो इसे, पकड़ो। यही है। ये अरे मामा भी ब्लॉग बना रहे हैं, मामा भी तो ब्लॉग बना रहे हैं। अल्लाह पाक, मिला या नहीं मिला? मिला भाई का, मिला।
हाँ इंशाल्लाह कभी ना कभी तो मिलेगा। जरूर होगा इंशाल्लाह।